तो यहाँ पर हो चुका है आपका सैमसंग गैलेक्सी F41 लॉन्च। तो दोस्तों इसका जो प्राइस है वो रखा है सैमसंग वालों ने 15,500 रुपये, जो कि एक स्पेशल प्राइस है, वो आपको इस बिग बिलियन डे सेल पे देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बात करें इसके कैमरा की, तो इसमें आपको दोस्तों 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का दोस्तों डेप्थ मिलता है, 32 मेगापिक्सल का दोस्तों फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, साथ में दोस्तों गोरिल्ला ग्लास 3 की आपको यहां पर प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। दोस्तों बात करें कुछ और फीचर्स की, तो इसमें आपको पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाता है, जो कि लाइव फोकस के नाम से आप जानते हैं, और सिंगल टेक दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाती है, 4K दोस्तों विद EIS, और स्लो मोशन दोस्तों 960 FPS पे, अल्ट्रा वाइड कैमरा है दोस्तों, और फ्रंट में भी आपको देखने को मिल जाएगा EIS। दोस्तों 15,500 इसका प्राइस आपको यहाँ पर बिग बिलियन डेज में स्पेशल देखने को मिलेगा, नहीं तो आपको ये फ़ोन 17,500 का देखने को मिल सकता है। तो अगर आपने परचेज़ करना है तो अभी कर लेना, और दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना चैनल, और हो सके तो पूरी वीडियो देखना, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहा करो। दोस्तों फर्स्ट सैंपल की बात करें, तो ये यहाँ पर मैंने नॉर्मल मोड से पिक्चर क्लिक की है, और आप देख सकते हैं जो डिटेल्स है, और जो इसकी आप यहाँ पर डायनामिक रेंज की बात करूँ, और कलर और सैचुरेशन की बात करूँ, तो नॉर्मल मोड में आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये फ़ोटो भी यहाँ पर मैंने नॉर्मल मोड में ली है, और आप यहाँ पर स्काई की और दोस्तों देखेंगे तो काफ़ी अच्छी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की गई है, मतलब दोस्तों आपको यहाँ पर जो डायनामिक रेंज है उसमें ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है, लेकिन दोस्तों कहीं पर यहाँ पर डार्क एरियाज़ में ज़्यादा मुझे एक्सपोजर लेवल नहीं दिखा है। तो दोस्तों अगर आप HDR मोड का यूज़ करोगे, तो जो मैंने सन की एक रैंडम फ़ोटो क्लिक की थी वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो एक्सपोज़र देखिए दोस्तों कितने अच्छे से वाइट बैलेंस को इसने यहाँ पर एडजस्ट किया है, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। दोस्तों बात करें यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड की, जिसको कि लाइव फोकस बोलते हैं सैमसंग वाले, तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एज डिटेक्शन इसकी कितनी सही है। दोस्तों कहीं पर भी कोई भी यहाँ पर ग्लिच मुझे तो दिखाई नहीं दिया है जितने मैंने शॉट्स लिए हैं, और कलर्स भी यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट निकल कर आते हैं। दोस्तों ये यहाँ पर मैंने एक फ़्लावर की फ़ोटो ली है, क्योंकि दोस्तों फ्लावर की फ़ोटो यहाँ पर मैक्सिमम लोग क्लिक करना पसंद करते हैं, तो आप देख सकते हैं क्लोज़ टू नेचुरल दोस्तों सैमसंग में सबसे ज़्यादा क्लोज़ टू नेचुरल कलर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे इस प्राइस रेंज में। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर 64 मेगापिक्सल वाले शॉट्स की, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। तो फर्स्ट शॉट दोस्तों आप देखेंगे तो ये एक मैंने खेत में दोस्तों लिया है, और इस टाइम बहुत ज़्यादा धूप है दोस्तों, और मैं आपको इसको अगर जूम करके दिखाऊंगा तो आपको पता लगेगा कि किस टाइप की आपको यहाँ पर क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। तो कलर्स कूलर्स तो दोस्तों वैसे आपको ठीक ही देखने को मिल जाते हैं, और जूम करने के बाद आप देख सकते हो दोस्तों कि अच्छे से यहाँ पर कलर और सैचुरेशन लेवल मेंटेन है, और क्वालिटी में दोस्तों कोई भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों मैंने और ज़्यादा जूम वही फ़ोटो यहाँ पर की है, उसके बाद भी दोस्तों आप देख सकते हैं जो पाइप है कलर का, सॉरी दोस्तों जो जिस कलर की पाइप है उसी कलर में आपको यहाँ पर शो हुई है। तो एक दोस्तों नेक्स्ट सैंपल लेते हैं, अभी भी दोस्तों बहुत ज़्यादा धूप है यार, और आप देख सकते हैं जो कलर है वो दोस्तों खेत का वो दो हिस्सों में डिवाइड है, तो वैसे ही आपको दोस्तों शो हो रहा है। तो दोस्तों जूम करने के बाद आप पत्थर को दोस्तों देख सकते हैं कि डिटेल्स की दोस्तों कोई भी कमी नहीं है। दोस्तों इंडोर में अगर मैं बात करूं तो ये भी दोस्तों 64 मेगापिक्सल वाला शॉट है, जब इसको मैं यहाँ पर जूम करूँगा तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से दोस्तों यहाँ पर आपको क्वालिटी देखने को मिलेगी, बट दोस्तों थोड़ा कलर फेड यहाँ पर हो चुका है, तो ये यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ह्यूमन शॉट की, तो ये पोर्ट्रेट मोड मैंने नहीं लिया है, जिसको कि लाइव फोकस बोलते हैं, और मुझे तो दोस्तों ठीक ठाक यहाँ पर लग रहा है। तो दोस्तों इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड शॉट देखने को मिलता है, लेकिन ये दोस्तों नॉर्मल मोड से लिया है, अब अल्ट्रा वाइड दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये यहाँ पर अल्ट्रा वाइड मोड है, जो कि 8 मेगापिक्सल से मैंने लिया है, और दोस्तों सैमसंग की यही खास बात है कि इसमें दोस्तों जो कलर्स है वो दोस्तों यहाँ पर सेम निकल कर आते हैं अल्ट्रा वाइड मोड से भी। तो एक इंडोर में दोस्तों आप देख सकते हैं कि राइट साइड में यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड में मैंने फ़ोटो शो की है, तो कलर्स कूलर्स मुझे तो सब कुछ ठीक ही लगे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ सैमसंग के F41 से,
तो जो ऑडियो आप अभी तक सुन रहे थे वो इसी फ़ोन की इंटरनल माइक से थी, लेकिन अब नहीं है क्योंकि उसमें दोस्तों ज़्यादा नॉइस थी, इसलिए मैंने वो हटा दी है। तो दोस्तों बात करें कलर्स वगैरह की, तो कलर वगैरह आप देख सकते हैं काफ़ी नाइस है, डायनामिक रेंज दोस्तों बहुत ही अच्छी है, आपको सैचुरेशन लेवल भी बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। इसमें दोस्तों आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और EIS साथ में इनेबल कर सकते हो। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर स्टेबिलिटी की, तो चलते हुए भी दोस्तों मुझे तो ऐसी कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आई है, काफ़ी अच्छे से EIS यहाँ पर वर्क करता है। लेकिन जो दोस्तों मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो 1080p पे है, 4K में दोस्तों नहीं बना रहा हूँ अभी। और आप देख सकते हैं कलर एडजस्टमेंट काफ़ी सही है इस फ़ोन की, और इसमें आप दोस्तों स्लो मोशन वीडियो भी बना सकते हो, तो मैं आपको यहाँ पर जल्दी से सैंपल दिखाता हूँ। दोस्तों ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसी फ़ोन से जो कि है 240fps पर स्लो मोशन, और आप देख सकते हैं कि अगर डे लाइट में आप रिकॉर्ड करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आने वाली है क्वालिटी में। तो दोस्तों इसमें आप 960fps पर भी रिकॉर्ड कर सकते हो, अगर आपने रिकॉर्ड करनी है तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो मुझे दोस्तों कोई शिकायत नहीं है। तो दोस्तों बात करें यार नाइट मोड की, तो अभी तो ये दोस्तों नॉर्मल मोड से ली है, जब नाइट मोड से दोस्तों आप फ़ोटो लोगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही दोस्तों नाइट मोड से आप मैंने यहाँ पर फ़ोटो ली, तो आप देख सकते हैं कि जो हाईलाइट्स है वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों कंट्रास्ट लेवल थोड़ा यहाँ पर ऊपर नीचे है, लेकिन बाकी सब कुछ आपको यहाँ पर अच्छे से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अच्छे से यहाँ पर आपका नाइट मोड वर्क करेगा, तो 15,500 में ले सकते हो। सेल्फ़ी की बात करें तो 32 मेगापिक्सल की दोस्तों सेल्फ़ी है, तो ये दोस्तों हर एक सैमसंग फ़ोन में आपको देखने को मिल जाएगी, तो इसलिए दोस्तों मैंने ज़्यादा यहाँ पर इसके बारे में बात नहीं की है। तो ये दोस्तों पोर्ट्रेट मोड है, और पोर्ट्रेट मोड यहाँ पर आपका फ्रंट में भी काफ़ी अच्छे से काम कर लेता है। तो दोस्तों बात करें यार पूरे ओवरऑल जो हमने अभी तक देखा, तो 15,500 में दोस्तों एकदम आप फ़ोन ले लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना यार मत भूलिएगा।